राजनीति में माफीनामे का कोई जगह नहीं होता है, जबकि कुछ लोग आपके माफीनामे पर ही टिके हुए थे। देखिए, ये इससे बड़ी माफी क्या हो सकती है कि जब मैं प्रदेश में जिस दिन कांग्रेस 10 मार्च को पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मुझे लगेगा कि मैंने माफी मांग ली है। उस दिन मुझे लगेगा कि मुझे मुझे बहुत सबसे ज्यादा खुशी होगी। अच्छा, आपने कहा कि आप बीजेपी से जाना नहीं चाहते थे, बीजेपी ने आपकी विदाई तय की। क्योंकि देखिए, मैं बीजेपी के लोगों ने पिछले 5 साल जिस तरह हमको यूज और थ्रू समझा और जिस तरह हमारे विभागों में हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, उससे मैं बहुत दुखी था। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि तो आपने कहा कि अमित शाह से आपका कमिटमेंट था, क्योंकि अमित शाह जिसे मैंने वायदा किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, मैंने अंतिम समय तक दोस्ती नहीं तोड़ी। छोटा सवाल सर है कि क्या आप दोनों लोग चुनाव लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे? ये पार्टी को तय करना।